Filmmaker Vidhu Vinod Chopra slams the Censor Board of Film Certification for issuing a list of bad words which filmmakers cannot use in their films and calls it as ridiculous and senseless thing. Vidhu Vinod Chopra was present at the launch of three books based on screenplays of late Guru Dutt's productions along with filmmakers Farhan Akhtar, Anurag Kashyap and Dibakar Banerjee. Here when PK producer asked to comment on the Censor Board's move, watch what all he said. कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई 28 वर्ड ढूंढे गए हैं जो मुझे अभी पता चला है और कहा ये यूज नहीं है क्योंकि वो वर्ड यूज जरूर कीजिए आप ये बता दीजिए कि ये एडल्ट फिल्म है ये PG-16 है ये दुनिया में अगर हम हॉलीवुड में हमने बनाई है अभी फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस उसको रिस्ट्रिक्टेड मिला है और लिखा है बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड लैंग्वेज तो कोई ऐसे अगर वर्ड्स वाली फिल्म है उसको आप अडल्ट बना दीजिए आप ऐसे कैसे 28 वर्ड कल को आप बोलेंगे कि आप हेलो मत बोलिए आप ये मत बोलिए आप वो मत बोलिए अभी तो ये तो बिल्कुल एक मेरे हिसाब से तो चटकारे वाली बात मैं कह रहा हूँ एकदम बकवास और बेबुनियाद बात है ये लोगों को कहना कि आप ये कह नहीं सकते जितना पावर उनको देंगे उतना वो मिसयूज होगा उनका पावर सिंपल होना चाहिए कि एक फिल्म को सर्टिफाई कर दीजिए अंडर 12 Meanwhile, Dibakar Banerjee also feels that the decision of deciding the content of a film should be left on the filmmakers and the audiences. जब जो फिल्में देखते हैं और जो फिल्में बनाते हैं वो मिलके बोले कि यार हमें डिसाइड करने दो हम क्या देखेंगे और हम क्या बनाएंगे आप बताओ कि हाँ इस फिल्म को इस उम्र के ऊपर के लोग देख सकते हैं और इस फिल्म को इस उम्र के नीचे लोग देख सकते हैं बाकी हमको डिसाइड करने दो क्योंकि सोसाइटी तो हमारी है तो सिर्फ हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा The Censor Board of Film Certification recently released a list of abusive and cursing words that the filmmakers are prohibited from using in their films. Honest Report.